यहाँ भगवान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन युद्ध रुकता नहीं है। महाभारत का युद्ध होता है। युद्ध के अंत में हम सबको ही पता है क्या हुआ, पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई, धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। अब भगवान यहाँ युद्ध खत्म होने के बाद सबसे विदा ले रहे हैं, सबसे ही मिल रहे हैं, तो गांधारी माता के पास भी जाते हैं। गांधारी माता कौन है? कौरवों की माता। वो बहुत दुखी है, उसके सारे बालक मारे गए। भगवान जाते हैं, गांधारी माता कहती है, कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, तुम क्या नहीं कर सकते, पर तुमने ये युद्ध नहीं रोका और तुम्हारे कारण मेरे सारे बच्चे मारे गए, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि एक तरफ 100 लोग खड़े हो और एक तरफ 5, और 100 की 100 मारे जाए और 5 में से एक कम ना हो, ये चीज संभव नहीं है। लेकिन ये संभव किसने करी? तुमने। तुम पांडवों के साथ नहीं खड़े रहते तो कोई नहीं बचता। अब उनको इतना क्रोध आता है कि अंत में क्रोध में आकर गांधारी माता कहती है, तुमने मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया, मैं श्राप देती हूं तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते, अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं, आपने मेरा काम आसान कर दिया। क्यों सोच रहा था? आज हम किसी छोटे से गांव में रहते हैं या छोटे से शहर में रहते हैं, वहां के कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या थोड़े पावरफुल लोग होते हैं ना, जो तंत्री मंत्री कोई हो, जिनका जिनकी शक्ति केवल उसी स्थान पर है जहां वो रह रहे हैं, उससे आगे नहीं है, फिर भी इतना अहंकार होता है कि उनके बच्चे कुछ गलती कर दे और कोई उनसे कुछ कह दे तो बच्चे कहते, तुम जानते नहीं मैं किसका बच्चा हूं। तो विचार करिए, ये तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे भगवान थोड़ी बन जाएंगे। अब उन्होंने तो सांसारिक रूप लिया है, तो जो बच्चे हो रहे हैं वो सब सांसारिक बच्चे हैं। तो भगवान जानते थे कि ये अगर वंश आगे बढ़ा तो आपको क्या पता अभी भी कोई होता ये कह रहा होता कि हम भगवान के वंशज हैं, तो भगवान नहीं चाहते थे। तो भगवान कहते, मैं उनको ऐसे भी खत्म करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता भविष्य में कोई खड़े होकर ये कह दे कि हम भगवान के वंशज हैं, मेरा कोई वंशज नहीं है, आपके श्राप ने मेरा काम आसान कर दिया। अब वो श्राप अपना असर दिखाने लगता है, भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे थे, सामने देखते हैं कुछ ऋषिगण बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं उसमें, तो बच्चों ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो एक लड़के ने एक स्त्री का वेश बनाया और कुछ कपड़े अपने पेट के आगे लगाकर गर्भवती स्त्री का रूप बनाया। वो संतों के पास जाकर कहते हैं कि एक लड़का कहे कि ये मेरी पत्नी है, गर्भवती है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। अब उनको तो सब पता है, वो बड़े बड़े ऋषि बैठे थे वहां, उन्होंने कहा आप अभी अभी जाइए, हम बाद में, हम जरूरी काम कर रहे हैं, बाद में हम भी खेलेंगे आपके साथ। वो बच्चे कहते, ये सब ढोंगी है, इनको कुछ नहीं पता। इसके बाद भी उनको क्रोध नहीं आ रहा, क्रोध आ तो रहा है लेकिन वो जता नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान को इसी का डर था। भगवान ने योग माया से कहा कि ऐसे तो इनको क्रोध आने वाला नहीं, तुम जाओ इनके मस्तक पर बैठो, ऋषियों को गुस्सा आना चाहिए। योग माया जैसे ही उनके मस्तक पर बैठती है उनको इतना क्रोध आता है, क्रोध में आकर वो कहते हैं कि जिस स्त्री का तुमने वेश बनाया है ना, जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है, उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा और हम श्राप देते हैं कि वो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। बच्चे डर गए, डर के मारे उग्रसेन जी के पास जाते हैं, बाबा बाबा ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कृष्ण को मत बताना,
तो एक बड़ा सा पत्थर रखा था, उस पर उस लोहे के मूसल को, गर्भ में से सच में लोहे का मूसल निकलता है जब कपड़े उतारते हैं, तो उसको लेकर पत्थर पर घिस रहे हैं, घिसते 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 खत्म कर देते, इतना सा टुकड़ा बचता है उसको नदी में डाल देते कि इतने से क्या होगा। उस टुकड़े को एक मछली निगलती है। यहाँ पर वही बच्चे कुछ समय बाद मदिरापान इत्यादि करते हैं, एक को एक की बात बुरी लग जाती है, वो उससे झगड़ रहा है, वो उसके लिए ऐसे करते करते सब आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। बलराम जी बीच में आते हैं, लेकिन भगवान की लीलाएं हैं, उनको तो सबको खत्म करना है, तो एक दूसरे से लड़ते लड़ते सब मारे गए, सबके सब मारे गए। अब बचा कौन, कौन बचा इनके वंश में? हाँ बताइए, सारे पुत्र पौत्र इत्यादि बलराम जी सब खत्म, अब कौन बचा वंश में? कृष्ण। वो जब तक जिंदा है वंश खत्म नहीं हुआ, भगवान को भी तो लीला खत्म करनी है ना, और लीला खत्म करने के लिए अगर सांसारिक जीवन लिया है, जन्म दिखाया है, तो मृत्यु भी दिखानी पड़ेगी।